बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ मैं, तो गौर से आने वाले वीडियो को देखना, समझना, और ना समझ में आया तो मुझे कॉल कीजिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ज़बरदस्त न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो आपने सुने ही होंगे। हम तो हर कस्टमर को हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि पार्ट पेमेंट में जाइए, आराम से पेमेंट दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपनी सहूलत के हिसाब से। लेकिन बिलफर्ज़ होता है, कभी मामला ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो लोन फैसिलिटीज़ तो अपने पास है अवेलेबल, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो आज इसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ, मैडम मंतशा से उसकी ज़ुबानी सुनिए और उसकी वैलिडिटी कब तक है वो देख लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र, ये स्कीम जल्द ख़त्म होने वाली है, तो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाएँ और इसको हासिल करने की कोशिश करें। वक्त अभी आपके हाथ में है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसने फ़ायदा उठा लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने इससे गफलत बरती तो उसका नुकसान हो गया। तो वक्त अभी भी आपके हाथ में है। जो कस्टमर्स मेरे से टच में हैं और लोन लेने के लिए कश्मकश में हैं, तो जल्द से जल्द इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं और देखते हैं मैडम मंतशा से उनकी ज़ुबानी। आइए वीडियो को देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मैं नहीं कहूँगा आज वीडियो में समझने की कोशिश कीजिए। सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर होस्ट मंतशा, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर फॉक्स डॉट स्टेट। जैसे कि एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ही बार घर ले पाता है अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा के, लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका लाभ आप सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही ले सकते थे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में पीएम आवास योजना को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अब आप इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप 2.67 लाख तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पीएम आवास योजना को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इस योजना के लिए कौन पात्र है या किस कारण से सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है, तो आप इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको क्लिक कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।